गुलजार साहब की फिल्म है, गाना है, सुना होगा आप लोगों ने, मेरा कुछ सामान। फिल्म का नाम है इजाजत। नसीरुद्दीन शाह, रेखा, इलाहाबाद के जंक्शन पे एक ट्रेन का इंतजार कर रहा था एक लड़का। लड़का क्या, हमारा 30-35 साल का, और एक लड़की आती है उस वेटिंग एरिया में। वो उसके कॉलेज की थी। एक वक्त था जब वो उससे बहुत मोहब्बत करता था। कई बार उसने उससे कहा भी कि मैं आपसे प्यार करता हूं, और उसने कभी जवाब नहीं दिया। अब उस समय को गुजरे हुए भी 10 साल तो हो ही चुके थे। वो आई, शायद पहचान भी लिया। थोड़ी 10-15 मिनट के बाद थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई। कुछ दोस्तों के बारे में बात की कि अरे वो कहाँ है, अच्छा वो शादी कर ली उसने, वो उसके साथ भाग गए, वो अभी अमेरिका में सेटल्ड है। ये सब होने के बाद कहीं ना कहीं उसके अंदर का दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया, और उसने कहा कि एक वक्त था मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मगर न जाने तुमने क्यों मेरे प्यार को कभी नहीं समझा। इतनी बार प्यार का इजहार किया, मगर ना हाँ कहा न कभी ना कहा। ना ही कह देती मैं समझ लेता, अपने दिल को समझा लेता, मगर यूं ही मेरे को एक इंतजार में छोड़ के तुम चली गई। कुछ लोगों को प्यार मिल जाता है, वो प्यार की कदर नहीं करते। महाभारत में इंद्रप्रस्थ से मोहब्बत करता था दुर्योधन, और युधिष्ठिर नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर ने उसको दांव पे लगाया था। जिसको मोहब्बत मिलती नहीं ना, उसके अंदर उसकी टीस बहुत होती है, जिंदगी भर उसको सालती रहती है, कचोटती रहती है। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10वीं बार तुम्हें मोहब्बत का इजहार किए हुए, तुमसे मोहब्बत का इजहार किए हुए 10 साल हो गए, आज तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला। दुआ करता हूं खुश हो, आबाद रहो, जहां भी रहो अच्छे से रहो। बस एक बात याद रखना कि कोई तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, तुमने उसको कभी जवाब नहीं दिया। लड़की ने थोड़ी देर देखा उसको, शायद उसके अंदर भी कुछ बचा था। उसने कहा, दोस्तों के सामने तुमने मेरा हाथ पकड़ के मोहब्बत का इजहार किया था। कॉलेज से घर जाती थी, न जाने क्या सोच के तुम मेरा पीछा करते थे, चिट्ठियां लिखा करते थे, कुछ चिट्ठियां शायद खून से लिखी थी तुमने। वो मोहब्बत नहीं थी मेरे लिए, वो खौफ था। अगर समझ सको तो समझो, नहीं तो अपनी बहन से पूछना। थैंक यू।